नहीं होता हमारे देश में, उन्हें हरामी कहा जाता है। एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बना लेने को खुद धर्म किसी का कहता हो तो पता कैसे चलेगा कि असल में अब्बू हमारा बाप है कि फुप्पू हमारा बाप है कि मामू हमारा बाप है। सही बात है, इसलिए हरामी मैं कहता हूं, इसलिए बुरा मत मानना, हराम के जने को हरामी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों ने जब मां सीता को गालियां दी, भगवान श्री राम को गालियां दी, मतलब हमारे देवी देवताओं को गाली दी, कुछ लोगों ने कहा भैया आपने पूछ लिया अल्लाह किसकी औलाद है, तुम बताओगे हमें राम अल्लाह की औलाद है तो हम अल्लाह का भी पूछेंगे, और ज्यादा किया तो जो बचे कुचे हैं कुल्लालुल्ला उनका भी पूरा बायोडाटा निकाल के हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे कि वो किसकी औलाद है, क्योंकि जो जन्म दे सकता है उसका भी जन्म होता है। मैंने नहीं सवाल किया था अल्लाह पे, अल्लाह पे सवाल एक भलवे मौलवी ने किया था, जिसके जवाब में मेरा ये सवाल था कि अगर राम को अल्लाह की औलाद बता दिया तो अल्लाह किसकी औलाद है, और अगर अल्लाह है तो पैदा करने के लिए अल्ली कहाँ है। सही बात है, बिल्कुल। तो ये कुछ सवाल मेरे नहीं थे, ये तो मुझसे जबरदस्ती पूछवाए गए थे, मुस्लिमों ने उकसाया था, मुझे उकसाया था, हम लोगों को इस बात के लिए मजबूर किया था, इसलिए सक्षम इसी में है। चूंकि आप ये बात याद रखना, हम तो राम के जन्म का प्रमाण दे देंगे, हम राम सेतु का प्रमाण दे देंगे जिसे नासा ने भी मान लिया, हम माँ दुर्गा का भी प्रमाण दे देंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म है मेरे भाई, ये कोई 1400 साल का खिलौना नहीं है, ये कोई जबरदस्ती का थोपा हुआ मजहब नहीं है, ये सनातन धर्म है जिसे लोग स्वयं की मर्जी से स्वीकारते हैं और जिसके आगे बड़ी बड़ी शक्तियां भी झुक जाती हैं जब हम अपने धर्म की राह पर चलते हैं। कहने का मतलब ये है उलझो लेकिन धर्म से मत उलझो, अन्यथा जहां से नंगा करेंगे वहां से झेल नहीं पाओगे, क्योंकि हम तो दे देंगे राम का प्रमाण, लेकिन आप जरा सोचो अगर गलती से किसी ने अल्लाह पे सवाल उठा दिया तो आप कहां से लाओगे प्रमाण। इनके मोहम्मद के भी सवाल तो बहुत है वैसे, ये और एक बात और कहना आपके अंदर जाकर मोहम्मद भी कहा दूध का दुल्हा हुआ है, तुम्हारा मोहम्मद हमारे राम के बराबर आप तुलना करते हो, लेकिन मोहम्मद के बारे में जरा अंदर गौर करो। हाँ, तो मेरा कहने का ये मतलब है, बहुत से भाई बोलते हैं तलवारों में धार लगा रहे हैं दीपक शर्मा तेरे लिए, तो यकीन मानो वो तुम्हारे खतना करने के काम आएगी, और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तलवारें दीपक की गर्दन तक नहीं पहुँच पाएंगी। ये थी सोनू डांगर, जिन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और आगे भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। इसको भी शेयर कर दें कि हर व्यक्ति तक पहुंच जाए कि धर्म का मजाक अगर उड़ाओगे तो उड़वाओगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।